रुको जरा सा, आज बहुत खास वीडियो होने वाला है। आज बात करेंगे सिल्डेनाफिल टैबलेट के बारे में, जो कि 50 mg की टैबलेट है। इसको आज खाते हैं, खा के बताएंगे आपको कि इसका क्या फ़ायदा मिला मुझे, कितना असर किया, कितनी देर तक मेरा छोटा भीम खड़ा रहा और क्या हुआ, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले मैं ये टैबलेट खाता हूँ, उसके बाद में आधा घंटे बाद में मैं आपको अपना रिव्यू दूंगा। तो दोस्तों, मुझे ये मैनफोर्स की टैबलेट, वाइग्रा टैबलेट, सिल्डेनाफिल टैबलेट है, ये खाए मुझे आधा घंटे हो गया है तकरीबन। और दोस्तों, मुझे ये अंदर से फील हो रहा है कि ये जो टैबलेट है, ये मतलब हल्का सा नशे में हो गया हूँ मैं, ऐसा महसूस हो रहा है, चक्कर जैसा फीलिंग आ रही है और अंदर से बहुत ख़राब महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिल्डेनाफिल मैनफोर्स टैबलेट मार्केट में आती है, इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो टैबलेट है, इसका मिसयूज इसलिए हो रहा है कि लोग ये सोचते हैं कि ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट खाने से उनका टाइमिंग बढ़ जाएगा, ज़्यादा देर तक वो सेक्स कर पाएंगे। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी गलतफहमी बिल्कुल ना रखें। इसीलिए लोग इस टैबलेट का मिसयूज बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं। जो लोग पहले मतलब फर्स्ट टाइम इस टैबलेट का उपयोग कर रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये टैबलेट खाने से आप ज़्यादा देर तक काम नहीं बना सकते, ठीक है। कहने का मतलब है कि ज़्यादा देर तक टाइमिंग आपकी बहुत नहीं बढ़ने वाली है, तो इस कन्फ्यूज़न में बिल्कुल ना रहें। मैंने टैबलेट खाई है तो मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि मेरा जो छोटा भीम है वो खड़ा हो गया है या फिर उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ गया है। हाँ, थोड़ा हल्का फुल्का ज़रूर है, कह सकते हैं कि 100 में 5% ज़रूर है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक मेडिकल स्टोर पे मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक बुढ़ऊ 50 साल के आए, वो उन्होंने सिल्डेनाफिल साइट्रेट टैबलेट मैनफोर्स टैबलेट मांगा उन्होंने, तो मुझे थोड़ा सा हंसी आई, लेकिन मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसका असली यूज क्या है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये जो टैबलेट है, ये हमें लगता है कि 21 साल के बाद ही लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए, वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार। इसका जो मुख्य उपयोग है दोस्तों, वो इम्पोटेंसी को ठीक करता है और हल्का फुल्का इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को भी आपके ठीक कर देगी ये टैबलेट जो है। ब्लड का फ्लो थोड़ा बहुत ये बढ़ा देती है छोटे भीम में, जिससे हाँ कह सकते हैं कि जो इरेक्शन होता है वो थोड़ा अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। यूज करने का तरीका क्या है, तो ये टैबलेट मतलब काम बनाने से पहले आपको आधा या फिर एक घंटे इस्तेमाल करने की सलाह ज़्यादातर डॉक्टर देते हैं, और ऐसे ही ये इस्तेमाल की जाती है दोस्तों ये जो टैबलेट है। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट भी कुछ आते हैं, जैसे चक्कर आना या फिर सर में दर्द होने लगना, ब्लड धुंधला दिखाई देने लगना, ऐसा कुछ दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को बताएं और फिर कभी इस टैबलेट का उपयोग बिल्कुल ना करें। डेंजर हो सकता है हेल्थ के लिए, बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो दोस्तों, ये जो टैबलेट है, ये मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बनाई गई है, ना कि आपकी टाइमिंग बढ़ाने के लिए बनाई गई है कि आप इसको खा के घंटों तक काम बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहिए, मैंने खाया हुआ है तो मुझे ऐसा कुछ इसका कोई ख़ास इफ़ेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। तो ये वीडियो हमारा हो गया, और दोस्तों इसका खास कर करके 18 साल से जो कम लोग हैं या 18 साल के हैं, वो बगैर डॉक्टर की सलाह के ही जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, भैया एक मैनफोर्स दे दो, मैनफोर्स लेके आते हैं और उसे वो खा लेते हैं बगैर डॉक्टर की सलाह के, जिससे उन्हें बाद में उनका छोटा भीम और लच जाता है, समझ रहे हो भैया। तो गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है इस टैबलेट का। ये जो सब केमिकल हैं हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर को दोस्तों नुकसान करते हैं। आप अपनी डाइट में सुधार करिए, आप अपने खाने को अच्छा बनाइए, एक्सरसाइज करिए,
जिससे आपकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इशूज़ हैं, वो अपने आप ठीक होने लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज हमने डिस्कस किया है सिल्डेनाफिल साइट्रेट टैबलेट के बारे में। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यार लाल वाला बटन दबा दो, पत्थर मार दो, घंटा मार दो, कुछ भी करो, वो दब जाना चाहिए, ब्लैक हो जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।